नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही कैलकुलेट करना है। आपको बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड सीओ में शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ट्रेड पेबल्स वगैरह दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वगैरह दिए हुए हैं। सबसे पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस लास्ट ईयर 2,50,000, करंट ईयर 5,00,000। हम लोग नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं ना, तो उसी के रिलेटेड आइटम है। वैसे तो एसेट्स वगैरह भी दी हुई हैं, लेकिन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिए हुए हैं करंट ईयर के 80,000 और 1,20,000 प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड की फिगर है बच्चों। सो हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स के लिए सीधा सीधा नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट लिया। करंट ईयर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, यानी कि सरप्लस का बैलेंस है 5,00,000, लास्ट ईयर था 2,50,000, तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट इज 2,50,000। अब इसमें सिंपल ऐड क्या करनी है, तीन ही चीज़ें हैं, रिजर्व्स है, टैक्स है, डिविडेंड है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कोई रिजर्व्स तो है नहीं, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो मेड वाली फिगर है, प्रोविजन मेड, और वो जैसा कि मैंने बताया था तो मैं कोई एडजस्टमेंट न दी हो तो करंट ईयर की फिगर लेते हैं 1,20,000। इसी तरह से प्रपोज डिविडेंड की भी सिर्फ करंट ईयर की फिगर 80,000 ही लेंगे, और ये हमारे पास टोटल फिगर 2,00,000 रुपीज़ की आ गई। 4,50,000 रुपीज़ जो मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आपको लास्ट ईयर के आइटम्स भी दिए हैं, करंट ईयर के आइटम भी दिए हैं, लेकिन कोई एडजस्टमेंट्स नहीं दी हुई। जैसे ही कोई एडजस्टमेंट न दी हो तो इसका मतलब लास्ट ईयर की फिगर है पेड और करंट ईयर की फिगर है मेड, यानी कि प्रोविजन इस बार कितना बनाया है, और हम लोगों को मेड की फिगर से मतलब है बच्चों, इसलिए 120 और 80,000 को ही मैंने कंसिडर किया है। तो फाइनल आंसर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड के साथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 4,50,000 रुपये का आपके सामने आ गया। एम आई राइट? तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था, इस वजह से फटाफट हो गया। एम आई राइट? ओके, डन।